इतने सारे पेयर्स बना के हम काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो अपना शॉर्टकट फॉर्मला यूज करते हैं शॉर्टकट फॉर्मला कहता है एन बाई टू इंटू यू वन एन यहाँ पे है एट एट चार्जेस इंटू किसी एक चार्ज के आपको पेयर्स बना के एनर्जी लिखनी पड़ेगी तो चलिए किसी एक चार्ज को उठाते हैं जिससे इस चार्ज को आप उठा रहे हैं ओके अब पेयर्स बनाने हैं इसके तो सेवन पेयर्स बनेंगे बाकी सबके साथ एक चार्ज ले लिया सेवन चार्जेस बचे हुए हैं सेवन पेयर्स यहाँ पे अपन बना सकते हैं तो सेवन पेयर्स कौन कौन से होंगे एक पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर ऐसे पेयर्स बनाने अपने को तो कैसे पेयर्स अपन इसको आसानी से बना हैं इस बारे में थोड़ा सोचते हैं कि देखो ये एक कॉर्नर रखा हुआ है इस कॉर्नर के साथ तीन एजेस इसकी मिल रही हैं एक दो तीन तो ये जो तीन पेयर्स बन रहे हैं पहला पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर जो तीनों एज वाले पेयर्स हैं उनकी एनर्जी सेम होंगी क्योंकि सेम डिस्टेंस उस पर सेम चार्जेस से हैं तो मैं यू वन को लिखना चाहता हूँ तो तीन तो एच पे बन गए KQ square by A plus. अब ये जो कॉर्नर वाला है ये तीन face diagonals बना रहा है देखो एक face diagonal, दूसरा face diagonal, और पीछे वाले पे तीसरा ठीक जो इसका पीछे वाला फेस है उस पे तीसरा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे तीन फेस डायगेल बना रहा है और फेस डायगनल की डिस्टेंसेज भी इक्वल होती हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा तो थ्री इन के क्यू है रूट टू ए ये आ गया

पोटेंशियल एनर्जी ऑफ़ ऑफ़ दिस क्यूब तो तो ये जो शॉर्टकट तरीका है इसके तो है इसके आपको ध्यान रखनी पहला सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस फिर उसकी एनर्जी वो आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर दीजिए तो एक पूरे क्यूब के लिए आप बड़ी आसानी से दो तीन स्टेप में अपना आंसर बता पाएंगे तर, okay. हाँ तो नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे तो अपने को बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा फिर तब तो आप पेयर्स बनाएंगे और करेंगे तो डोंट वेरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे ऐसे मज वैसे मजदूरी नहीं कराने वाले कि आप बैठे बैठे पेयर्स बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे ऐसा नहीं होगा आपको अगर ट्रिक्स पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको वहां पे दिए जाएंगे ठीक है ओके एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कर लेते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिए एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल पे चार्जेस से पहले अरे एक ट्रायंगल ऐसा था जिसपे चार्जेस रखे हुए थे तीन क्यू चार्ज q मास m तीनों सिमिलर चार्जेस हैं ओके अब आपसे बोला गया कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं है ऐसे तीन पोजीशंस पर रखे हुए थे इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन फाइंड द स्पीड ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टिकल देन फाइंड द स्पीड ऑफ

अब पहले इनको आपने पकड़ के रखा हुआ था तीनों को इस अरेंजमेंट पे अब अपने इसको छोड़ दिया सिस्टम को रिलीज कर दिया और ये जो ट्रायंगल दे रखा है एक, एक, एक ट्रायंगल है है ऐसा गिवन जैसे आपने सिस्टम को रिलीज किया क्या होगा कि इनके बीच का म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स है सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं एक जैसे चार्जेस हैं तो ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा और ये इस तरफ भागना शुरू करेगा तो जब भागेंगे ये तो फोर्स क्योंकि सब पे सेम है सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा तो ये हमेशा इस ट्राइंगुलर शेप को मेंटेन रखेंगे इनका जो अरेंजमेंट होगा किसी भी टाइम पे आप देखिए हमेशा एक ट्राइंगल को दिखाएंगे तो मान लीजिए ये यहां पहुंच गया है ये वाला यहाँ पहुंच गया है और ये वाला अब यहाँ पहुंच गया है इस टाइम पे भी जब आप इनको पाएंगे देखेंगे तो देखेंगे कि ये हमेशा एक ट्राइंगर अरेंजमेंट को मेंटेन करते हुए चलेंगे ये बात तो क्लियर है क्योंकि सब पे फोर्स सेम है सबका एक्सेलरेशन सेम है तो ये अरेंजमेंट भी हमेशा मेंटेन रहने वाला है ठीक है ये उठ के यहाँ आ चुका है ये यहाँ आ चुका है और ये यहाँ आ चुका है तो आपसे पूछा गया कि इस टाइम पे जब ये साइड टू ए हो चुकी है अब दिस साइड बिकम्स टू ए पहले ए थी अब टू ए हो चुकी है इस टाइम पे वेलोसिटी बताइए सबकी वेलोसिटी सेम होगी आपको किसी भी एक की वेलोसिटी पूछी गई है बताइए किसी एक की वेलोसिटी कितनी होगी ठीक सबकी वेलोसिटी सेम होगी सिमेट्रिकल सिस्टम है यहाँ पे सेम चार्जेस हैं ट्रायंगल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब पे बराबर बराबर फोर्स लगेगा उस फोर्स के की वजह से सबकी वेलोसिटी भी किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पे सेम आने वाली है तो वो वेलोसिटी आपसे पूछी गई है क्लियर है क्वेश्चन तो अब इस क्वेश्चन को आप अगर फोर्स और एक्सिलेशन से करने बैठे तब तो आप खत्म हो जाएंगे क्यों खत्म हो जाएंगे क्योंकि पहली बात तो ये कि इसके मोशन के साथ साथ ये सब लोग भी मोशन कर रहे हैं ठीक है मैं इसकी वेलोसिटी की बात करना चाह रहा हूँ इसको मैं रेफरेंस देख रहा हूं तो पहले अगर मैं फोर्स देखूंगा तो चलिए आपने एक बार फोर्स निकाल भी लिया इसका इधर है इसका इधर है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन जैसे ही मोशन शुरू हुआ ये भी शिफ्ट हो गया ये भी शिफ्ट हो गया और साथ में ये भी शिफ्ट हो गया फोर्स जो डिपेंड करता है इनके बीच के डिस्टेंस पे एंगल्स पे वो लगातार चेंज होता रहेगा तो जब फोर्स चेंज हो रहा है तो वेरिएबल एक्सिलेशन आपको मिल रहा है दूसरी बात आपको बोला गया कि साइड टू ए हो गई है ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा दूसरा मेथड जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे दूसरा मेथड क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपका दूसरा मेथड है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपन आराम से कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे हमें पता है कि जब इनको अपने पकड़ के रखा होता इस फॉर्म पे तो सारे रेस्ट पे थे रेस्ट पे थे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कैन बी इजीली रिटन हम इतने सारे लिख चुके हैं एक ट्राइंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है अब जब सिचुएशन ऐसी बन गई है इस सिचुएशन में आ चुके हैं तब पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन पहले ए साइड था अब टू ए साइड के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे फिर से और क्योंकि यहां पे तीनों चल रहे हैं तो तीनों के एनर्जी साथ में आ जाएगी खत्म आपको यहां से भी निकालना है मिल जाएगा तो करिए जल्दी बताइए मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस कानेटिक एनर्जी ये इनिशियल की बात हो रही है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस कानेटिक एनर्जी फाइनल तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितने पेयर्स बनेंगे तीन पेयर्स बनेंगे तीनों सेम डिस्टेंसेस पे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थ्री के क्यू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से तीन पेयर बन रहे हैं और इस बार सबके बीच की टू ए हो गई है क्योंकि साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी हो चुकी है अब टू ए तो हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे टू ए के बराबर तो काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी अपने लिखना आता है था ए डिस्टेंस है अब टू ए हो गई तो टू ए लिख लीजिए आ गया प्लस काइनेटिक एनर्जी तीन पार्टिकल्स चल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाई ए माइनस टू हाफ एम वी स्क्वायर ये मिल रहा है आपको यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे इधर से बचेगा के क्यू स्क् रूट ओवर के क्यू स्क् आपका आंसर आ गया फॉर वेलोसिटी <coughs> आसान क्वेश्चन होगा तो कुछ क्वेश्चन रखनी होगी कि हर एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपने किया इसको आप फोर्स वाले मेथड से मतलब जन्म बीत जाएंगे आपके आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बहुत मेहनत लग जाएगी फलतु टाइम वेस्ट हो जाएगा कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी फिर दूसरा तरीका आप देखिए कितना आसान सा प्यारा सा तरीका है दो स्टेप में आपका आंसर आ गया है यहाँ से दोनों तरफ एनर्जी लिखी इनिशियल फाइनल सोल्व क्या मिल गई और एनर्जी लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं थी बहुत टिपिकल नहीं था ट्राइंगल की एनर्जी लिखनी है ट्राइंगल के सिस्टम की थ्री टाइम्स सीधा सीधा लिख लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया तो अब हमें ये वाले जो मेथड है पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना आपका ध्यान सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ जाना चाहिए तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे चलिए तो आ, अपने पास अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाकी हैं जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है अभी अपन देख लेते हैं इसको जल्दी से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या वो है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वी नाम से समझ में आता है इक्वी मतलब इक्वी मतलब क्या हो गया जो इक्वल वहां पे प्रोड्यूस करता हो क्या पोटेंशियल तो वो सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो ऐसे सरफेस को बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ठीक है अगर मैं एक सरफेस ऐसा लेता हूं ये एक सरफेस है और इस सरफेस के हर पॉइंट पे आप कहीं भी देख लीजिए हर पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम है सर्फेस तो का कहलाएगा सरफेस कहलाएगा ठीक है यह बात क्या लिखी हुई गई है

तो इसका हर एक पॉइंट पे यही पोटेंशियल लिखा जाएगा क्योंकि इसका हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे है चार सेंटर पे है तो हर पॉइंट जब आर डिस्टेंस पे है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है सो दिस स्फीयर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए फॉर दिस चार्ज क्यू इस चार्ज क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पे सेम है तो यस दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई खास बात नहीं है इसमें ऐसे ही आपको अगर एक वायर दे देते मान लीजिए एक वायर है पे सब जगह चार्ज एक 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 है, अगर मुझे इसके लिए एक बनाना है ठीक तो तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दू मैं तो ये सिलेंड्रिकल जो सरफेस है ना ये इसके लिए सरफेस हो जाएगा क्यों ऐसा क्योंकि हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है वायर वजह से कितना होता है तो लेमडा बाइ टू पैप्स नॉट आर आप उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल भी आर पे डिपेंड करेगा सीधा सीधा पोटेंशियल जब आर पे डिपेंड कर रहा है तो इस वायर से इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट बराबर बराबर डिस्टेंस पे है तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप आपकी बन रही है दिस तो सिलेंड्रिकल शेप इज द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर दिस वायर तो ऐसे जो भी सारे सर्फेसेस बना सकते हैं आप जिनपे पोटेंशियल सेम हो ऐसे सारे को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस तो एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो एक स्फीयर होगा इस पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर बना सकते हैं इसके अलावा कोई और आप ऐसी नहीं सोच सकते जिसके हर पॉइंट पे इस चार्ज के तो यस यसियस इज इक्वी पोटेंशियल सर्वेस फॉर पॉइंट चार्ज ऐसे अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब इस तरीके से वो ट्रैवल कर रहा है जिसमें डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है सारी रेस एक जैसे आपको तो दिख रही है सेम मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पे, पे इस केस में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना है तो वो सरफेस बनेंगे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आप एक प्लेन बना दीजिए ये जो परपेंडिकुलर प्लेन बनते हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल ऐसा ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि आपने बोला था E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आपने बोला था माइनस डी वी बाई डी एक्स तो यहां से अगर मुझे करना है डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स

यहां से थोड़े से डिस्टेंस पे एक प्लेन है एक्स प्लस डी एक्स तो ये एक्स वाले प्लेन प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे कहलाएंगे दूसरा जो प्लेन है उसके सारे पॉइंट्स एक पोटेंशियल पे कहलाएंगे तो ऐसे जितने भी प्लेन्स बनेंगे वो सारे प्लेन्स कौन से प्लेन्स कहलाएंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल है इनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो सोचो कि अगर मुझे एक 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 सरफेस पे चार्ज को पोजिशन तक लेके जाना है पोजिशन ए से पोजिशन बी तक तो मैंने लिखा था वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी या क्यू इंटू फाइनल इनशियल डन पर क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है मतलब पोटेंशियल एट एट इज इक्वल टू पोटेंशियल ए

रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा उसके नॉर्मल होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है ठीक है ऐसा क्यों होता है ऐसा करना भी बड़ा आसान सी बात है इफ इट इज नॉट नॉर्मल देन देर इज अ कंपोनेंट ऑफ द फील्ड पैरल टू द सर्फेस बिल्कुल ठीक बात है अगर सोचो ये यहाँ पे सरफेस मैं बना रहा हूँ ऐसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं होता तो ये सरफेस के साथ कोई एंगल बना रहा होता इधर कोई एंगल बना रहा होता तो सरफेस के पैरेलल इसका एक कंपोनेंट आ जाता और जब सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट आ गया तो आपने लिखा है ना वीज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डीएक्स तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी वेरी करेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल वेरी कर गया तो आप उसे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कैसे कह सकते हैं तो इसीलिए जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सेम सर्फेस दिस इज अंट्राडिक्शन टू द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इसलिए हम कहेंगे कि हमेशा ये नॉर्मल होना चाहिए इक्वीपोटेंशियल सर्फेस के तो ये जो क्वेश्चन आता है ना ये एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था अच्छा एक जो प्रॉपर्टी आती है यहां कि मेटल्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सर्विस मेटल्स आर ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल ये एक रियल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्यों ऐसा ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग में क्या बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कि आप अगर एक मेटालिक कवर ऐसा बना लेते हैं इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके अंदर जो फील्ड आता है वो फील्ड जीरो आता है बिकॉज ऑफ दिस मेटेलिक सरफेस है ना क्योंकि यहाँ पे इंडक्स इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं तो ये बात जो यहाँ पे

ये शेल है इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रखी थी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बता रखी थी इस तरीके से कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बता रखी थी ऐसा हो सकता है क्या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ठीक है कहीं आपको बता रखा था कि यहाँ पे लेकिन फील्ड लाइन इस तरीके से हमेशा दिख रही है यहाँ पे एंगल बता रखा है कि हमेशा फील्ड लाइन नाइनटी पे जा रही है इस तरीके से तो सही होना चाहिए दिस इज मेटालिक शेल इस सारे ऑप्शन में जो शेल है वो मेटालिक शेल है तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर शुड बी दिस वन क्यों क्योंकि ये मेटल है मेटालिक शेल इज ऑलवेज इक्वी सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो फील होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो यस दिस शुड बी योर आंसर ठीक है यहाँ पे ये सेंटर पे नहीं

तो जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये आसानी से आप इस एक प्रॉपर्टी को याद रखे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ये ये कि कि मेटल्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस और दूसरी कि पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के तो ये दो बातें अगर ध्यान में तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ठीक तो है तो इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं क्वेश्चन एक आध अपन इस पर कर ही लेते हैं बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार तो ध्यान रखिएगा इनका फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये ऐसे आपको तीन सरफ़ेसेस दे दी अपन पांच मिनट और क्लास लेंगे उसके बाद चलते हैं ऐसे आपको तीन सर्फेसेस दे दी बोला गया कि इस सर्फेस का पोटेंशियल ट्वेंटी है इसका टेन वोल्ट है इसका जीरो वोल्ट है ठीक है ये तीनों इक्विप पोटेंशियल सर्फेस है ठीक है इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो ट्वेंटी वोल्ट होगा इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो टेन वोल्ट होगा और इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो जीरो तो बताइए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली यहाँ से नॉर्मली पास हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आसान क्यों कह रहा हूं मैं इसे क्योंकि हम जानते हैं कि जो v होता है चेंज इन पोटेंशियल होता है माइनस इंटीग्री डॉट डी आर अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू तो द तो सरफेस है ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है मतलब तो इस r डायरेक्शन में जो ये डी आर जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसके हमेशा पैरेलल रहेगा ये एंगल हमेशा जीरो डिग्री रहेगा कॉस जीरो होता है वन तो आप इसे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ई डॉट डी क्योंकि डी आर क्या है यहां से आता छोटे छोटे वेरिएशन हो रहा है वो डी आर है इंटीग्रल डीआर इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डी और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है उसको अपन बाहर ले सकते हैं दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं तो अपन ने सीधा लिख लिया इसको डेल्टा e भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी ये आप इसे लिख सकते हैं v1 minus v2 is equal to e dot, ED, v1 minus v2 v2 e e या ठीक है d तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये है 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 तो अब आराम से हम लिख सकते हैं अच्छा देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन बता रखी है ना वो कैसे बता रखी है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल फ्रॉम हायर पोटेंशियल सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो यहाँ से आंसर बता सकते हैं वी वन माइनस वी टू

मीटर मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर तो तो पर कन्वर्ट हो गया दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन क्लियर अगर आपसे यही क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से पूछा गया होता कि ये तीन आपको सर्फेसेस दे रखी हैं इन तीन सर्फेसेस पे इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है या आ, हाँ ठीक है सर्फेसेस इस तरीके की हैं कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है

इस बार आपसे पूछा बताइए कितना इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप आराम से बता पाएंगे इस बार आप कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर वाला ये कंपोनेंट क्या कहेगा सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इनटू डिस्टेंस ई हो गया ई e cos 45 फाइव डिग्री डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर्स पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 माइनस टेन से आपको इस बार E मिल जाएगा रखना है आपको हमेशा? कि जब भी होंगे, उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चीजें बन रही है ठीक है जो पैरेलल वाला है उसकी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आना चाहिए जो परपेंडिकुलर वाला है उसी की वजह सेक्शन वाइज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे या हर सर्फेस पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नीट में कई बार पूछे जाते हैं तो नीट वाले बच्चे इस पे स्पेसिफिकली ध्यान देंगे आप लोगों के पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एम वाली अगर नहीं है तो खरीद लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम टीजी थर्टी नीट वालों के लिए उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं तो वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप उसमें से देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब तक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पोटेंशियल और अब ये पोटेंशियल सरफेस